नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं मीमांसा मलिक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे दें। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से कहा है कि बिना आतंकवाद छोड़े बातचीत नहीं हो सकती। दूसरे रायसीना डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा कि मैं शांति के लिए लाहौर भी गया था। आपने शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन शांति के रास्ते पर भारत अकेले नहीं चल सकता। पाकिस्तान को भी इसी रास्ते पर चलना होगा। अगर पाकिस्तान बातचीत चाहता है तो उसे आतंकवाद से दूर होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने चीन से रिश्तों पर कहा कि दो ताकतवर पड़ोसियों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। माय विजन फॉर आवर नेबरहुड पुट्स ए प्रीमियम ऑन पीसफुल एंड हार्मोनियस टाइज विद एंटायर साउथ एशिया। That vision had led me to invite leaders of all SAARC nations, including Pakistan, by my swearing in. For this vision, I had also travelled to Lahore. But India alone cannot walk the path of peace. It also had to be Pakistan's journey. Pakistan must walk away from terror if it wants to walk towards dialogue with India. सेल्फी का शौक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है और इस बार इसकी बलि चढ़े हैं दिल्ली के 2 पढ़ने वाले बच्चे। स्टंट करते हुए सोशल मीडिया पर सेल्फी लेने के जुनून ने इनकी जिंदगी छीन ली। सेल्फी लेने में ये इतना खो गए कि दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन भी दिखाई नहीं दी। एक बार फिर सेल्फी बनी किलर सेल्फी। सेल्फी के शौक ने फिर बुझाए 2 घरों की चिराग। रेलवे ट्रैक पर स्टंटबाजी, 2 स्टूडेंट्स पर बड़ी भारी। दिल्ली में 2 बच्चों की मौत ने एक बार फिर सेल्फी के शौक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेल्फी लेने का शौक कब जानलेवा बन जाता है, इसका तब पता चलता है जब काफी देर हो चुकी होती है। दिल्ली के रहने वाले 15 साल के यश और 14 साल के शुभम की रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये दोनों दिल्ली के अक्षरधाम के पास ट्रेन के साथ वीडियो शूट करने पहुंचे थे। फेसबुक पर स्टंट वाला वीडियो पोस्ट करने के मकसद से ये दोनों छात्र रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे, लेकिन उनके इस शौक ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। शुभम और यश नाम के 2 लड़के यहाँ पर होते हैं और वो पहले सेल्फी लेते हैं और उसके बाद स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो इस ट्रैक से बाहर निकल नहीं पाते हैं और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। परिवार वालों का कहना है कि वो लड़के स्टंट नहीं कर रहे थे। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। हादसे में मारा गया यश 10वीं और शुभम 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। अपने बच्चों को खोने के बाद अब इनका परिवार सदमे में है। सेल्फी लेने ट्रैक पे चला गया। ये 7 जने थे। जी जी। 7ों में से अभी 2 जने फोटो खिंचवा रहे थे, 5 बीच में थे। तो उसके बाद उन्होंने फोटो खींची। अब इधर से ट्रेन आ रही है, उसे तो देख रहे हैं। वो जो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है उसको नहीं देख रहे। अब इन्होंने भी सडनली वहाँ से सेल्फी ली, पता नहीं कैसे ली, क्या करी, तो दूसरी साइड हो गए और दूसरी साइड की ट्रेन की चपेट में आ गए। यश कुमार जैसे एक हमारा बेटा था। यश हमारा। पुलिस के मुताबिक यश और शुभम अपने 5 और दोस्तों के साथ अक्षरधाम वीडियो शूट करने गए थे। इसके लिए 1300 रुपए किराए पर एक दिन के लिए SLR कैमरा भी लिया गया था। पुलिस के मुताबिक सामने से धड़धड़ा कर आती ट्रेन के साथ ये दोनों एक ऐसा वीडियो शूट करना चाहते थे जो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। इसके लिए दोनों ने पहले से काफी वीडियोस देखे थे और रिसर्च की थी। ट्रेन आने से पहले सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग पोज बनाकर सेल्फी ली थी। इस दौरान ट्रैक की मरम्मत कर रहे रेल कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, लेकिन इन सभी ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। ध्यान हटते ही
दोनों सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। परसों जब वो सेल्फी ले रहे थे, सात लड़के थे। अच्छा। और सेल्फी लेते हुए दोनों साइड से ट्रेन आ गई, उसके हवा के झोंके में दोनों ही चपेट में आ गई। अच्छा, ये दो सेल्फी ले रहे थे ट्रेन के, किस तरह सेल्फी ले रहे थे? ये ऐसे करके ले रहे थे, तो उसी पोज में बंदा। तो दोनों की मौके में मौत हो गई थी। हाँ जी। इस हादसे में मारे गए यश के परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें यश के साथ गए बाकी पांच छात्रों के साथ बात करने का मौका नहीं दिया गया। वो पहले कभी नहीं गया, उसका फर्स्ट था, कह रहा कि मैं लंच घर आके करूंगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, जितनी मीडिया पे बात बताई जा रही है कि उसे एक जुनून था या वो पागल था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे तो उसे लेके गया, और जो पहले जो लड़के बचे हुए वो पहले कई बार वहाँ जा चुके। सेल्फी के लिए जिंदगी के साथ हुई एक और खिलवाड़ ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चक्कर में जोश में होश खोने वाले युवा अक्सर सेल्फी के चक्कर में जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन आखिर अब ऐसी नासमझी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक आज सीएम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने जी न्यूज से कहा कि उन्हें विश्वास था कि साइकिल उन्हें ही मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि आज पूरे दिन मैं प्रत्याशियों की लिस्ट पर काम करूंगा। अखिलेश ने गठबंधन पर एक दो दिन में अंतिम निर्णय होने की भी उम्मीद जताई। जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग पक्का हो गया है और किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। अब जो निटी ग्रिटी है, कैसे कौन सीट किसको कितनी नंबर, ये इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं तो बता रहा हूँ कि अगले 24-48 घंटे में वो उस पर हमारी चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस सीएम पद के उम्मीदवार शीला दीक्षित ने कहा कि गठबंधन हुआ तो वो अपनी सीएम पद की उम्मीदवारी वापस ले लेंगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर जो गठबंधन होता है तो स्वाभाविक है कि दो मुख्यमंत्री फेस तो नहीं हो सकते हैं, तो अखिलेश जी को बनाया जाएगा या जिसको भी बनाया जाएगा, तो मैं उससे विड्रॉ करना चाहती हूँ। यूपी में महागठबंधन होने पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू और अपना दल साथ चुनाव लड़ सकती हैं। महागठबंधन होने की सूरत में अखिलेश ही सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। महागठबंधन में समाजवादी पार्टी 275 से 280 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 87 से 90 सीट, आरएलडी 20 से 23 सीट, जबकि जेडीयू और अपना दल दो दो सीट पर चुनाव लड़ेंगी। कल राम गोपाल यादव ने भी कहा था कि अखिलेश यादव ही महागठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे। मुलायम सिंह यादव उम्मीदवारों की अलग से कोई भी लिस्ट जारी नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने अपनी लिस्ट अखिलेश को सौंप दी है। इस लिस्ट में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा का नाम शामिल है। अखिलेश अपने समर्थकों के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा, मेरे और मुलायम सिंह के बीच कोई मतभेद नहीं है, एक लड़ाई जीते हैं और असली लड़ाई जो जनता की है वो नेताजी के आशीर्वाद से जनता के बीच जाएंगे, और हमें उम्मीद है जनता दोबारा आशीर्वाद सहयोग देगी तो 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी को नेतृत्व में हम लोग सरकार बना रहे हैं। पूरे विवाद पर अमर सिंह ने कहा है कि मुलायम उन्हें खलनायक नहीं समझते। मुलायम सिंह जी मुझे खलनायक नहीं मानते, और अगर उपमा ही करनी है तो मेरी उपमा आप द्रोणाचार्य से करिए, जो अर्जुन को इतना मानते थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने तत्कालिक लाभ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए, मैंने मुलायम सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा। अमर सिंह ने कहा कि मुलायम का भरोसा मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कल चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल का हकदार अखिलेश यादव को बताया था। इससे पहले मुलायम सिंह और अखिलेश गुट ने पार्टी सिंबल पर अपनी दावेदारी पेश की थी। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका दावा सुना था। 1 जनवरी को राम गोपाल यादव के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। अखिलेश की ओर से राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के सामने दावेदारी पेश की।
कल पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अखिलेश ने कहा था साइकिल चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। फिल्म दंगल में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम के समर्थन में आमिर खान ने बयान दिया है। आमिर ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा है कि जायरा उनके लिए एक रोल मॉडल है। जायरा का हौसला बढ़ाते हुए आमिर ने लिखा कि मैंने जायरा का बयान पढ़ा, मैं समझ सकता हूँ कि किस बात ने जायरा को ऐसा बयान देने पर मजबूर किया। मैं जायरा से कहना चाहता हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसी युवा, होनहार, मेहनती, दूसरों का ख्याल रखने वाली और हिम्मती लड़की न सिर्फ भारत के बच्चों के लिए बल्कि दुनिया के लिए मिसाल है। तुम मेरे लिए रोल मॉडल हो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। मैं हर किसी से अपील करना चाहूंगा कि जायरा को अकेले छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने भी विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उसे पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया। एक आम बच्ची और जिसका इतना बड़ा नाम है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जो व्यक्ति है जिसको ऐसी थ्रेट होती है तो सरकार उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करती है। इस केस में भी सरकार जो है पूरा सीरियसली जो देख रही है, जो भी वाजिब हो करेंगे। कुछ दिनों पहले जायरा वसीम ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। ये मुलाकात अलगाववादियों को अच्छी नहीं लगी और सोशल मीडिया पर जायरा को ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद जायरा ने सोशल मीडिया पर माफी मांगा और कहा कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं है। विवाद बढ़ने पर जायरा ने माफी वाला पोस्ट डिलीट कर दिया और फिर सफाई दी। रियल लाइफ की रेसलर फोगाट बहनें भी जायरा वसीम के समर्थन में बयान दे चुकी। विजय सांपला ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने का खंडन किया है। सुबह पहले खबर आई कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाद में सांपला ने इसे एक अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वो एक मिशन पर लगे हुए हैं। ये सारी बातें झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैं पार्टी की सहमति से किसी मिशन पे लगा हुआ हूँ और उस कारण मैं इधर उधर था, और आपको पता नहीं कहाँ से ये खबर आ रही है। विजय सांपला ने भले ही इस्तीफा दिए जाने से इनकार किया हो, लेकिन विरोधियों ने इस पर चुटकी ली। बड़ी अफसोस की गल है, उन्होंने पूछो फिर अगर उन्हें देना है था, सानू अफसोस, बीजेपी वाले ने अफसोस होना चाहिए। पहले खबर आई थी कि विजय सांपला टिकट बंटवारे पर नाखुश हैं। खबर थी कि सांपला अपने संसदीय क्षेत्र होशियारपुर से कुछ उम्मीदवारों को चेंज करवाना चाहते थे। विजय सांपला केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भी हैं।